और अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के वाले से बड़ी खबर आपको दे दे, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं पार्टी गठबंधन के दलों से 85 सीटें मांग सकती है। जानकारी के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर को हुई कांग्रेस की अलायंस कमेटी की बैठक में सहमति बनी है। ये रिपोर्ट कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेगी। और दरअसल 4 जनवरी को खड़गे ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और सीएलपी लीडर्स की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसके बाद गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। रवि, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, सीट फॉर्मूला जल्द ही तय होने वाला है। अब बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें यही तय हुआ था कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला को फाइनल किया जाए। उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक कमेटी भी बनाई थी सीट शेयरिंग को लेकर। कमेटी ने 29-30 तारीख को बैठक की है। बैठक में लगभग एक फॉर्मूला निकल के आया, 290 सीटों के आसपास कांग्रेस अकेले दम पर लड़े, जहां उसका 1-to-1 मुकाबला कांग्रेस पार्टी बीजेपी से है। लेकिन जिन राज्यों में अलायंस है, जैसे आरपी के साथ उनका बिहार में अलायंस है, समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में अलायंस हो रहा है, टीएमसी के साथ आपको बंगाल में अलायंस होना है, डीएमके के साथ तमिलनाडु में अलायंस होना है, तो इन राज्यों में करीब 80-85 सीटों को चिन्हित किया गया है कि लगभग 85 सीटें वो अलायंस पार्टनर से बाहर है। अब तय करना है पार्टनर उनको कितनी सीटें देंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने 290 सीटों पर खुद लड़ने का मन बनाया है और 80-85 सीटें वो चिन्हित की है जो वो अलायंस पार्टनर यानी इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से भागेंगे, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, चाहे और कोई दिल्ली हो, पंजाब हो, तमाम इन राज्यों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि त्रिपाठी इस जानकारी के लिए।